सुंदरता देखो यार, थोड़ी थोड़ी बारिश भी है, धूप भी है, फॉरेस्ट इतना सुंदर है। कॉर्बेट ये काफ़ी ज़्यादा आजकल ना चर्चा में है क्योंकि बहुत सुंदर लगता है ये। देखो ये ना बॉटल से बना हुआ है, जो वेस्ट बॉटल्स होती हैं ये देखो। थोड़ा बता पाएंगे अभी यहाँ पर एक जो थोड़ा टाइगर अटैक भी हो गया था, वो कहाँ पर हुआ है, यहाँ से कितनी दूर है वो? यहाँ से 4 किलोमीटर। चार, देखो जंगल में आग लगा, भाई लगाई है लग गई है मुझे नहीं पता भाई, बट कर दिया है भाई किसी ने तो। ये सर अभी अभी हमारे को ना टाइगर स्पॉट हो गया यहाँ पे एकदम कॉर्बेट, हमारे जंगल जैसे हम अपने रिजॉर्ट से बाहर निकलते हैं यहीं पे ये देखो। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूलें। Yes, welcome back to the channel. You're watching Mile Chasers. मैं हूँ लव और मैं हूँ यशवी। धूप बहुत तेज पड़ रही है, सड़न हो रहे हैं और हम अभी हैं जिम कॉर्बेट में, साथ में अपने रिवर और यहीं पे थोड़ा सा टहल रहे हैं। सोचा कि अगर तो दिख जाए और मज़ा आ जाएगा। इस बार हमारा जैसे मैंने को बताया था कि बहुत रिलैक्स ट्रिप है, कल हमने नाइट सफारी कर दी, आपने अभी तक देख लिया होगा वो, और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा घूम रहे हैं और आज पूरा दिन सिर्फ जिम कॉर्बेट घूमने का ही है। सफारी जैसे मैंने को बोला कि हम नहीं कर रहे हैं इस बार, क्योंकि सफारी का कोई प्लान था नहीं, हम किसी काम से यहाँ पर आए हैं और आज वही काम करना भी है। तो आपको साथ साथ में व्लॉग में घुमा के जिम कॉर्बेट भी घुमाऊँगा और ऐसी ऐसी लोकेशंस भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये एक तरह से हमारा हाउस व्लॉग हो जाएगा, लेकिन जो हमारे घर पे नहीं है वो कॉर्बेट में हो रहा है, ठीक है भाई? ये देख लो नज़ारे, मज़ा आ जाता है यार कॉर्बेट आके ना, अलग ही मज़ा है, मतलब अपनापन फील होता है यहाँ पर। ये वाली जो रिवर है ना आप देख रहे हो सामने, सामने फॉरेस्ट ही है। तो जब हम घूम रहे होते हैं ढिकुली वाली रोड पर, जहाँ हम रात को भी नाइट सफारी कर रहे थे, ये इस तरफ रोड आती है और ये पूरा फॉरेस्ट होता है, क्योंकि बीच में रोड है। वहाँ से क्रॉसिंग करके काफ़ी सारे कई बार एलिफेंट्स टाइगर भी है यहाँ की आता है वहाँ से क्रॉस करके, ताकि यहाँ पे पानी वानी पीने के लिए, तो यहाँ पर भी कई बार साइटिंग हो जाती है। तो इसलिए भाई रात को अगर आप टॉर्च लेके बैठे रहोगे तो आपको दिख जाएगा, बैठे रहोगे मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई ऐसी लोकेशन ही नहीं है ये। ये अपना क्लब महिंद्रा पीछे सारा, ये देखो, तो हम अपने क्लब महिंद्रा के यहीं से आए हैं। ऐसे जो जगह बनी ना इसके आगे तो आप ऑब्वियसली नहीं जा सकते कि फिर पूरी झाड़ियाँ हैं, तो यहाँ हम घूमते रहते हैं थोड़ा, ताकि थोड़ा सा नेचर के बीच में फील तो आ जाए वैसी, है ना, कि अगर हम किसी FRH नहीं रुके फिर भी फील ऐसी आएगी हम किसी FRH में ही हैं। इतना प्यारा फॉरेस्ट, और सबसे ज़्यादा और अच्छा मुझे लगता है ना ये इतना ब्लू स्काई, गुड़गांव दिल्ली में तो यार देखना ही मतलब नसीब में ही नहीं होता ये। अभी थोड़े टाइम बाद जब गर्मी आ जाएगी तब आ जाएगा, बट अभी तो यार सिर्फ यहीं पर पॉसिबल है कि आप देखो और ये फ्रेश ऑक्सीजन लिया जाए। और अभी इतनी अच्छी हवा चल रही है, प्रॉपरली नहीं दिख रहा होगा बट चल रही है, तो उसमें भी अच्छा लगता है कि चलो यार एक फ्रेशनेस की जो फीलिंग होती है, एक जो जंगल की वाइब होती है, खुशबू होती है और ऑक्सीजन होता है, इतना हो सकता है ले लो। ले आए? हाँ और क्या, इतना मजा आता। मैं चाय पीऊंगा, ठीक है मेरी भी बना देना। चलो क्यों हंस रही है, बाहर आओ, बाहर आओ आप, जरा बाहर आओ। क्या कर रहे थे आप? वहाँ से हमारे को ऐसे इशारे कर रहे हैं ऐसे, ये हाँ आपने तू ऐसे किया तू, और यूं क्या मुझे लगा कह रहे 2 बजे चेकआउट, कह रही है 2 बजे चेकआउट होने का, अभी आज क्यों चेकआउट करेंगे? उसके बाद क्या आपने शॉट खेली थी? शॉट खेली लेफ्टी टाइप की, ये देख कैसे दो करके ऐसे दिखा रहे, क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं इतनी देर से, दूर से हमें समझ नहीं आ रहा। बच्चा गोलगप्पे बेचने वाले का बेटा यार, 200 कर गया आज टेस्ट में। कैसे यशस्वी जैसे साल के 200 हो गए, बाद में समझ आया हमें क्या कर रहे हैं, दो करके यूं करे जा रहे हैं ये चेकआउट। सुबह ही रेडी शेडी हो गए हैं एकदम, शैम्पू वम्पू करके, रुद्रा भी है भाई हमारे साथ, रुद्रा भी है। कल क्योंकि हम नाइट ड्राइव पे गए थे तो एक गया नहीं हमारे साथ, कर दो जी वेलकम। वेलकम, मैं सुबह कर चुका हूँ, तू क्या कर रही है? इसलिए मैंने पूरा बोला ही कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है यार, तो हमारे साथ सना भी आ रखी है और टुडुंकू भी आ रखा है। टुडुंकू खुश हो रहा है? बड़ा ही खुश रहता है भाई कॉर्बेट आके, पता नहीं कितनी बार ये मेरे साथ कॉर्बेट आ गया ऐसे ही। तो आज जैसे मैंने बोला था एक काम है हमारे को, निकल रहे हैं उसी के लिए करते हैं, और मुझे अपनी गाड़ी के लिए ना स्टिकर्स भी बनवाने थे यार माइल चेजर्स वाले, तो वो भी मैं रामनगर से ही बनवाऊँगा। चलते हैं पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर कामों पर निकलते हैं अपने, अपना महिंद्रा रिजॉर्ट। इसके बारे में मैंने बहुत पहले एक बार एक डिटेल ब्लॉग बनाया था, वो भी आप देख सकते हो, बट इसलिए मैं ज़्यादा कवर नहीं करता इसे। सर अभी अभी हमारे को ना टाइगर स्पॉट हो गया यहाँ पे एकदम कॉर्बेट, हमारे जंगल जैसे हम अपने रिजॉर्ट से बाहर निकलते हैं यहीं पे, ये देखो ये रहा मेरा टाइगर। हंस दो, कोई तो हंस दो मेरी बात पर, रुद्री भी हंस दे, रुद्री व्हाट अ जोक।
चलो जिनको नहीं पता भाई, हमारी जो स्टॉर्म कह रहा हूँ, हमारी जो स्कॉर्पियो है उसका नाम हमने रखा हुआ टाइगर, तो इसीलिए हमारे को स्पॉटिंग होती रहती है। ये खड़ी अपनी गाड़ी टाइगर, सुंदर लगता है ना यार ये। एक बंदे ने इस पे लिखा मेरे उस ब्लॉग पे यार किसी ने, कि यार ये मत लगाया करो, भी मिट्टी पड़ती है अच्छी बात नहीं है, बट ये पूरा साफ रखते हैं यार हम, इतना तो है हमारे को भी यार क्लीन रखना है उसे। दूसरी चीज़, नेस्ट 9 पे आ गए हम, जैसे आपको पता ही हमारे को जगह बहुत पसंद है ब्रेकफास्ट के लिए, इनके रूम्स भी हैं, मैंने ये भी कवर करा हुआ कॉर्बेट में, मैंने जगह तार करा हुई है चीज़ें कवर। इसको क्या हो रखा है सर, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? हाँ जी मूल बटूरा नहीं, आलू का पराठा। अबे मेरे को लगा कि पूड़ी है बटूरा है, कि हमने दोनों मंगाए हुए हैं, ये बटूरा ही लग रहा है। ये अपनी माँ की तरह ऐसे के छोले, अरे वाह ठीक है, ये अपने बाद हमारी पूरी भाजी आ गई, बटूरा है तो मम्मा खाते हैं छोले भटूरे हर जगह, हम हैं पूरी भाजी वाले, पूड़ियाँ आ रही है छोले इनके गजब लगते हैं ही, बहुत बढ़िया है। और पोहा इतना अच्छा था कि हमने ख़त्म ही कर दिया है, दोबारा खाएँ एक और पोहा। मेरा साइज देखा है एक बार, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मम्मा का फेस है और ये भटूरा है, भटूरे खा खा के भटूरे ही। चलो भाई ब्रेकफास्ट डन, अभी आप देखो बादल आ रहे हैं, और आपको पता ही है भाई अगर हम कॉर्बेट आएँ और बादल ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, पीछे अभी फिर भी ब्लू है, बट यहाँ देखो सारा, आज फोरकास्ट में दिखा रहा था बारिश, मैंने कल चेक कर लिया था, बट फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद ना हो, बट ऐसा हो नहीं सकता ना भाई। हमारे को स्टिकर भी लगवाना है, मुझे वो लग रहा है कि बारिश हो रही है तो मैं स्टिकर लगाऊंगा तो दिक्कत ना आए, बट देखते हैं। चलो रामनगर तो चलें पहले, यार फ्रेम बन रहा है यार कॉर्बेट में, मतलब जब मैं हमेशा बोलता हूँ ना जब हमारे को साइटिंग भी होती है कि कॉर्बेट में जैसा फ्रेम बनता है वैसा कहीं नहीं बनता, अभी यहाँ पर भी देख लो, अभी बाहर हम रोड पर हैं दोनों तरफ फॉरेस्ट है, और यहाँ पर भी इतना सुंदर फ्रेम बन जाता है, और अभी क्योंकि धूप भी ज़रा चली गई है ना, बस होपिंग कि बारिश ना हो, जो कि होगी तो सही पर ठीक है देखी जाएगी। यो ये देखो यार सुंदरता कॉर्बेट की, यहाँ पे नाले बहते हैं वैसे, और अभी क्योंकि यहाँ पे विंटर्स है ना तो नाले इसलिए आ नहीं रहे, सुनाई दे रहा ना आपको सारा क्या बात हो रही है, क्या हम अपने कर रहे हैं बात, हाँ तभी तो मैं सबको सुनवा रहा हूँ कि जब सुनाई रही है तो सुना लो, सुंदरता यार मतलब कॉर्बेट। फिर लोग ना मुझे कई बार ये भी बोल देते हैं कि यार तू ब्यूटीफुल इतना ज्यादा मत बोला कर, इतना ज्यादा क्यों ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, हाँ तो इसमें क्या बोलूं भाई, ब्यूटीफुल ही है, ब्यूटी है, वेरी ब्यूटीफुल बोला कर, पापा वो डायलॉग नहीं मारना, सो एलिगेंट नाइ, ओके वाओ, अबे यार ये नहीं बोलना डायलॉग, इसको हम रिफ्रेन करेंगे, बट हाँ ये अगर यहाँ पे टाइगर वाइगर बाहर आ जाए यार थोड़ा सा हमारे को और मजा आ जाए, कहेगा वो भी कि हाँ तुम्हारे लिए बैठा हूँ मैं, सफारी जो इस बार हम नहीं कर रहे। लेकिन यार 2 बज रहे हैं इस टाइम, बहुत लेट जा रहे हैं लोग सफारी पर, 1:30 बजे तो उन्हें एंटर हो जाना चाहिए था, अगर ये आम डंडा भी जा रहे हैं बिजरानी के लिए, अरे 1:30 बजे का टाइम है अभी, ओके आ गया भैया अपना आम डंडा गेट, जहाँ से मैं कह रहा हूँ बिजरानी की सफारी के लिए लोग जा रहे होंगे अभी। अबे यार ये आम डंडा सिर्फ नाम है ये बहुत स्पेशल, डंडे करते हैं, हाँ तेरे जैसों को तो कर मार देते होंगे कई बार, सफारी होती है बेटे बिजरानी, बिजरानी अरे हमें तो पता ही नहीं था सफारी होती है बिजरानी में। हम एक टाइम था सिर्फ ना बिजरानी में ही सफारी लेते थे आकर, कहीं और नहीं जाना, तब टाइम था जब शर्मीली टाइग्रेस जो थी ना वो इतनी एक्टिव थी यहाँ पर, और क्या साइटिंग देती थी वो, मतलब सिर्फ नाम से ही शर्मीली थी वो, सिर्फ नाम से शर्मीली थी, वैसे तो भाई उसको मजा आता था कि मेरे को अगर कोई देखने आया तो मैं हर पोज बनाऊं, इतनी प्यारी साइटिंग हमने उसी करी है, बट वो जब मर गई ना 2016-17 टाइप में, उसके बाद से काफ़ी यहाँ पे साइटिंग कम रही, फिर एक और टाइग्रेस आई लूमा, लूमा का भी बहुत ही अजीब सीन चला बीच में, अभी भी कभी कभी साइटिंग अच्छी होती है यहाँ पर, बट वो लेवल नहीं रहा अब तो भैया, झिरना ढेला जो चलते हैं ना जब भी आ रहे हो, झिरना ढेला फाटो ये सब करा लो, बहुत तगड़ी साइटिंग होती है। तो भैया ये शॉप है, जैसे आप रामनगर एंटर करते हो ना वहाँ पर आ जाएगी, ये झिरना का बोर्ड लगा अंदर को वहाँ पे है, और मुकुल भाई हैं इनके साथ ही लगवा रहे हैं, एक मेजरमेंट ले लेंगे गाड़ी पे ना, मुझे स्टिकर के लिए जो बता रहा था करना है, फिर देखते हैं कैसा बनता है सीन। मुकुल भाई आपका नंबर डाल दूँ ना मैं, ठीक है तो उनका नंबर डाल दूंगा भाई, कुछ करवाना है यहाँ पर स्टिकर का सब तो करवा लेना अगर, चलो हाँ इधर लगना, इधर लगवाने का कह रहा हूँ मैं, इधर लग जाएगा ना अगर। अब बताइए कितना बड़ा करते हैं सर, यहाँ पर ना ये काम होता ही है, ये
सब अपने जो जिप्सी वगैरह उनके लिए बनाती हैं, तो मैंने कहा यहीं से कराऊंगा, करा मैं गुड़गांव से भी सकता था, लेकिन यहाँ पे थे, मैंने कहा करा के चलते हैं, फटाफट हो जाता है, आइडिया है ही इनको। ये आपको हो गया माल, कुछ करना है आपने बताओ। नहीं सही लग रहा है एकदम, बस सही है भैया। तो यहाँ प्रिंटिंग स्टार्ट होगी अपनी, अरे 5 मिनट में हो जाएगा। यूट्यूब का सिंबल भी आ गया अपना, बढ़िया भाई, क्या बात है। चलो उनसे बाकी दूसरे लोग, सही है, बढ़िया, सही लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार। अब तुम्हें हमारी गाड़ी देखो, आपको पता चल जाएगा कि माइल चेजर्स की गाड़ी है। खुश है रुद्री? उसको गाड़ियाँ देखने से फुर्सत नहीं है दूसरी। अब साइड से भी आपको दिखाई देगा, पीछे से भी आपको दिखाई देगा कि माइल चेजर्स है। चलो पेमेंट वगैरह करें और निकले। अभी कुछ टाइम तो मेरा ध्यान ना इसी पे जाता रहेगा पूरा टाइम, के नया नया लिखा है ना, क्योंकि वहाँ से निकल गए, ढेला गेट की तरफ जा रहे हैं, पांडे जी से मिलना है, कुछ काम है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता भी जाऊँगा यार, सामने अभी जाते अनुग्रह होम स्टे भी आएगा, जिसका मैंने पिछली बार व्लॉग बनाया था, जो आपने अभी देखा होगा, बहुत सुंदर जगह है। देख रहे हो बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, हाँ स्ट्रॉबेरी फार्म आ गया। सोच रहे थे कि आए, काफ़ी टाइम से मन था, देखते हैं वापसी में अभी, बट बूंदाबांदी जी शुरू हो चुकी है, ढेला हम पहुंचने वाले हैं, पांडे जी यहाँ पे कह रहा हूँ मिलने हैं उनसे, और ये वाला रास्ता भी घूम के मज़ा आता है यार। मैं वैसे सोच रहा था कि नाइट ड्राइव एक बार यहाँ भी करी जाए, बट यहाँ पे ना अलाउ नहीं करते कई बार, और अभी तो वैसे भी जो अभी रिसेंटली सीन हुआ है, जिस टाइगर ने आगे मारा है वो लेडी को, मेल टाइगर ने, एकदम ढेला गेट के थोड़ा सा पहले ही है वो, तो उसके बाद तो और स्ट्रिक्टनेस हो रखी है। अभी देख रहे हो ये सामने बैरिकेड आ रहा है, अभी खुला हुआ है क्योंकि अभी सफारी टाइम चालू है, ये रात होते होते ना बंद कर देंगे और इसके आगे जाने ही नहीं देंगे, तो इसलिए फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मेन जॉब शुरू होता है ना वो यहाँ से होता है, कि आपको अगर मूवमेंट देखनी है वाइल्ड लाइफ की, यहाँ से होती है, तो यहाँ मना ही कर देंगे तो फिर यहाँ तक इतना दूर आओ ढिकुली से, उसके बाद वापस ही जाना पड़ा, तो इसलिए वहीं पे ही ट्राई मारते रहते हैं हम। बहुत सुंदर लगता है यार जंगल इस टाइम पे, और ये सर तो एंजॉय भी नहीं कर रहे, सो रहे हैं। स्पीड ब्रेकर आ रहा था ना। सुंदरता देखो यार, थोड़ी थोड़ी बारिश भी है, धूप भी है, फॉरेस्ट इतना सुंदर है, कॉर्बेट दोनों तरफ इतने प्यारे पेड़ हैं यार, वाओ, काश रात को आने देते यहाँ पर तो मज़ा आ जाता यार। ये ना आजकल फाटो के इधर वो वहाँ पे गेट रह गया, फाटो कह रहा हूँ सॉरी, ढेला गेट उधर रह गया, और ढेला के इधर ना काफ़ी सारी जगह इन्होंने बना दी हैं ऐसे छोटे छोटे ना, मैगी पॉइंट्स और ये सब, ये मैंने देखा है लोगों के, उसमें वो लगा हुआ सामने टाइगर जो सेल्फी पॉइंट बनाया ना, ये मैं दिखाना चाह रहा था ज़रा सबको। ऊपर लंगूर है, देखो तो पत्ते गिर रहे हैं ना, ये लंगूर है ऊपर। गाड़ी एकदम नई खड़ी करी है, ये रहा कैफ़े सामने जो बनाया नया, ये चाय कॉफ़ी अगर आपको पीनी है तो, दिखाता हूँ आपको, बहुत सुंदर जगह है, ये जंगल ही है, ध्यान से चलो। तो अगर कोई मूवमेंट हुई टाइगर वगैरह की तो कॉल करके हमारे को बता देंगे, है ना भाई। ये रहा भाई, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल ना चर्चा में है, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है ये, देखो ये ना बॉटल से बना हुआ है, जो वेस्ट बॉटल्स होती हैं ये देखो, ये वो लगा के टाइगर के लिए बना रखा है, ये सेल्फी पॉइंट हो गया ये आजकल, अच्छा है ना, देखो अच्छा एफर्ट है, करते रहने चाहिए लोगों को ये, मतलब सोचो कि एक वेस्ट की चीज़ है सारी और उससे एक सुंदर सी चीज़ बन गई। ये अपनी चाय बन रही है भैया, दुकान का नाम क्या अपनी? ये मेहरा ढाबा। कौन सा ढाबा? मेहरा ढाबा, मैगी पॉइंट ना। अच्छा ये जो लगा ये कुछ हाल फिलहाल में लगा लगता है, जो टाइगर वाले ने बॉटल से बना रखा है, ये वेस्टर्न मॉडल है, वेस्ट से बनाया ना सारा। अच्छा जी ठीक है। अच्छा भैया वो थोड़ा बता पाएंगे, अभी यहाँ पर एक जो थोड़ा टाइगर अटैक भी हो गया था, वो कहाँ पर हुआ है, यहाँ से कितनी दूर है वो? यहाँ से 4 किलोमीटर आगे। 4 किलोमीटर आगे है, इससे कुछ साउंड है। इस रोड से जैसे जाएंगे, जंगल पार करेंगे ना, जैसे इस रोड से, हाँ, जंगल पार करते ही लेफ्ट साइड में थोड़ा रास्ता अंदर गया था। अच्छा अंदर गई हुई थी ना लेडी जो थी, हाँ वही वाला सीन हो जाता है, अंदर गई हुई थी वो। चाय आ गई भाई, मजा आ रहा ना? यही तो मजा है, बैठ के यहाँ पे पियो, ये लोग ना गाड़ी में बैठी है दोनों, क्या मजा है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो फेंसिंग भी हुई है दैट, हां इलेक्ट्रिक फेंसिंग है पूरी इधर। ठहर जा खोलने दे। आप अपने दोस्त बनाया है यहां पे नया, बड़ी देर से पीछे था वो, दूसरे भी आ रहे हैं, इसको भी अलग से डालना, साथ में मत डालना, अलग से डालो। कैसे मजा आता है, तो सही जगह बैठे ना आकर। नहीं नहीं दो सारे। रुद्री सर सो चुके हैं मजे से, बाकी भाई बहुत सुंदर जगह है यार, अगर आप ढेला की तरफ आओ ना एक बार आना ज़रूर इधर, अच्छा लगता है बैठ के, बहुत अच्छा लगा है। और इनको भी कुछ खिला देना,
चलो लंगूर वंगूर भी अब आराम से चिल मार रहे हैं, हम भी चिल मारे चल के अब ज़रा। जो अपना काम हमने करना था थोड़ा सा हो पाया, थोड़ा नहीं भी हो पाया, क्योंकि थोड़ा ज़रा जिनसे काम था वो थोड़ा बिजी चल रहे हैं, देखते हैं आज नहीं तो कल सुबह थोड़ा देखेंगे और उसके बाद निकलेंगे अपना, है ना। अभी चलते हैं और आज भी कोशिश करेंगे, अगर बारिश ना हुई तो नाइट सफारी आज भी होगी, तो व्लॉग देखते रहना, मज़ेदार चीज़ें बनती रहेंगी। और ये वाला जो एनवायरनमेंट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि अपने व्लॉग्स कॉर्बेट और किसी वाइल्ड लाइफ लोकेशन से करे जाएँ, वो एफर्ट आगे पूरा चलता रहेगा। अभी इसके बाद बहुत सारे सारे व्लॉग्स आने वाले हैं अच्छे, तो भाई सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, तभी आपको ये वाली जितनी वीडियोज़ है ना देखने को मिलेंगी और याद रहेगा। नोटिफिकेशन के लिए भी ना बेल आइकन ऑन करके रखा करो यार। अभी अभी हमने अपनी गाड़ी पे स्टिकर्स भी लगा लिए हैं, अब ब्रांडिंग हो चुकी है माइल चेजर्स की, ठीक है। इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, इसकी वीडियोज़ को करना है लाइक, तभी भैया हमें भी ट्रैक्शन मिलती है और उसके बाद मोटिवेशन मिलती है कि चलो करते रहेंगे कॉन्टेंट, वरना ईजी नहीं है सफारीज़ करना। पैसा लगता है सफारीज़ करने में, या आने में रुकने में बहुत पैसा लगता है, बहुत लगता है, जनरली आप सोच भी नहीं सकते, तो थोड़ा सा हेल्प करते रहा करो। चले उठो फिर, मैं तो उठा ही हूँ। चलो यार अब ना सन भी आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, अब चलते हैं थोड़ा दोबारा से जंगल का रास्ते चले। अब देखो पीछे गांव है यहाँ पर ही एकदम, जहाँ पे यहाँ पर ढीला है, पीछे गेट है और ये रहा गाँव, और आपको दिख नहीं रहा होगा बट सामने ऐसे लकड़ियाँ लेके पूरा जंगल के अंदर से जा रहे हैं। मतलब वो ये मानता हूँ कि भाई लकड़ियाँ लेनी है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि लकड़ियाँ अंदर इतना जाके लेने का फ़ायदा नहीं है यार, अपने आप को रिस्क पर डालते हो आप लोग और उसके बाद फिर ऐसे टाइगर अटैक्स होते हैं, क्यों ही करना है ना इतना। बट ब्यूटी है, लगी गाड़ी। स्ट्रॉबेरी फार्म एंड कैफ़े है भाई यहाँ पे, आप कैफ़े इन्जॉय कर सकते हो और ख़रीद भी सकते हो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, तो चल के देखते हैं कैसा है। ये देखो जी, बड़े टाइम से हमने देखा हुआ था और मन था कि आए यहाँ पर यार, आज बड़े मुश्किल से मौका मिला। देखो सारी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई है, कवर्ड है ये, एकदम ढेला रोड पे मिल जाएगा आपको। मम्मा देख कितने को, मम्मा सबसे ज्यादा खुश हैं इस चीज में, हाँ ये लगी हुई है स्ट्रॉबेरीज, बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं। चलो कैफे भी है सामने, अब जितना भी देख रहे हो ना मेरे यहाँ पे सारा स्ट्रॉबेरीज का ही है और इतनी सारी लगी हुई है यार, मतलब डायरेक्ट फार्म से लेने का जो मजा है ना वो है। ये देखो, देख रहे हो, वाह यार, ये हुई ना बात, ये अच्छा लगता है कि आप डायरेक्ट ऑर्गेनिकली ग्रोन यहाँ से ले रहे हो अपने सामने। अब देखते हैं क्या प्रोसीजर है, इन्होंने तोड़ के रखी हुई है हमारे सामने, करेंगे लेट्स सी। सर इनका कैफे भी है। सर आपका नाम क्या है? सचिन पांडे। और इस कैफे का नाम क्या है? जो फ्लाइंग स्पैरो स्ट्रॉबेरी फार्म। ओके, तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने करके रखे हुए हैं। तो सर ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं ये आपका मतलब हार्वेस्ट कब होता है ये वैसे? हम लोग इसको सितंबर ऑनवर्ड्स में इसकी प्लांटेशन करते हैं। अच्छा। एंड दिसंबर ऑनवर्ड्स से इसमें प्लकिंग स्टार्ट हो जाती है, राइप होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो जैसे अगर किसी को चाहिए होता है तो वो आपको राउंड द ईयर होता है यहाँ पर अवेलेबल है कैसे? टिल मई जून, टिल मई जून मिल जाता है, ठीक है। तो ये अपने जैसे बॉक्सेस जो ये बना के रखे हैं तो ये मतलब रिसेंटली ही ये डेली प्लक होती है। अच्छा, डेली प्लक हो रही है, स्ट्रॉबेरीज डेली प्लक होती है। ओह नाइस, फ्रेश हम डेली प्लक यहाँ पे सेल के लिए रखते हैं एंड जो हमारे पास में इवनिंग में बच जाती हैं उनको हम स्ट्रॉबेरीज हम लोग यहाँ पे जैम बनाते हैं, क्रश बनाते हैं, स्ट्रॉबेरीज का सिरप बनाते हैं, तो वो सब उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, तो ये सारा इनका जैम वगैरह पड़ा हुआ इधर एंड होल डे हम लोग यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको फ्रेश स्ट्रॉबेरीज से ही जूस एंड स्ट्रॉबेरीज का शेक हम लोग यहाँ पर बना के देते हैं फ्रेश स्ट्रॉबेरीज से, स्ट्रॉबेरीज विद वनीला, स्ट्रॉबेरीज विद क्रीम। मुझे लगता है यहाँ की स्पेशलिटी हो सकती है स्ट्रॉबेरी चाट, मसाला चाट, स्ट्रॉबेरी मसाला, स्ट्रॉबेरी मसाला चाट, क्या बोलते हैं। अगर देखते हैं तो ये पूरा इनका जैम्स और स्मूदीज वगैरह उन्होंने बना के रखी हैं, स्ट्रॉबेरी सब है। नाइस, ये आगे हमारे स्ट्रॉबेरी शेक्स, एकदम ईश्वर ऐसा लग रहा है पॉप्स वाला क्योंकि हम रिवरडेल देख रहे हैं ईश्वर में आजकल, तुम्हारे को पॉप्स वाला लग रहा है एकदम। नाइस, सो टेस्टी। आप जो मार्केट में पीते हो ना वो बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है ना, इसका क्या एक यूनिक सा टेस्ट आ रहा है ना, स्ट्रॉबेरी का प्रॉपर एक अलग, बहुत अच्छा है यार। और ये आ गई भाई एक बहुत यूनिक चीज़ मुझे लगी, स्ट्रॉबेरी की चाट है मसाले वगैरह डाल के, और ये इतनी टेस्टी है ना, टेस्टी है ना, बहुत जेन्युइनली। मतलब मैंने नहीं कभी सोचा कि स्ट्रॉबेरी की चाट खा सकते हैं ऐसे, उन्होंने उसमें कुछ डाला होगा मसाला चटनी वगैरह और वो खट्टा मीठा बन के बहुत अच्छी लग रही है। सर ने कहा कि एक बार हटा के आपको स्ट्रॉबेरीज दिखाता हूँ, ये भी उग रही हैं।
तू इतनी छोटी वाली देखो उधर, ये छोटी छोटी जरा सी साथ में। वो बता रही कि जो व्हाइट फ्लावर है ना, तो वो फ्लावर से ही बनता है फ्रूट हमेशा। हाँ, फ्लावर से बनता है, इसी से बेस में से स्ट्रॉबेरी निकलती है, ग्रीन जब बिल्कुल रेड हो जाती है कहते हैं तब हम तोड़ लेते हैं। नहीं है, वहीं पे कट कर देना। हाँ। ठीक है, अगर आप प्लग करना है ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी है। ये वो कह रहे हैं इसको ऐसे। तो दोबारा से भाई यहाँ पर आए थे, हमारे थोड़े स्टिकर्स रह गए थे मुकुल भाई के पास, ये बन गए हैं माइल चेजर्स के, क्योंकि इनको भी लेके जाने के, मैं घर पे जाके भी गाड़ियों पे लगाऊंगा, तो यूट्यूब और माइल चेजर्स। बस चले, अब दो तो अपने लग ही चुके हैं, दिख रहा है ना यहाँ से, सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो आ गया भैया आम डंडा गेट, गाड़ी लग गई है हमारा फेवरेट स्पॉट्स में, कि हम अगर यहाँ पर आएंगे ना कॉर्बेट तो हमारे को यहाँ पर आना ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ मिलती है बहुत ही सॉलिड मैगी, उसके लिए हमने एक बार तो खा के जानी है। सबसे ज़्यादा खुश है रुद्री सड़क पर बैठ के, है आपकी चाय आ गई। यहाँ ले लो, कह रहे हैं शिल्पा रेस्टोरेंट क्या करने चले गए थे, वीडियो बनाते बनाते ना आप शिल्पा में घुस गए। सोवेनियर शॉप थी, मैं देख रहा था क्या है। आते ही पूछ रहे शिल्पा वाले में क्या करने गए थे। मैगी आ गई भाई एक्स्ट्रा मसाले वाली, पानी आ रहा है मुँह में मेरे, पहले से ही अंधेरा हो चुका है। और देखो बारिश के बादलों ने घेर लिया है। तो यार हो गया अपना सारा काम, अभी देखो 6:30 हुए हैं और ऐसा लग रहा है 8-9 बज चुके होंगे शायद। जैसे ये अपना ढिकुली की तरफ जा रहे हैं, मेरे पूरा जंगल का एरिया। अब बस जाएंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे और रेडी होके उसको जाएंगे, हम एक बढ़िया सी पार्टी करने वाले हैं, वो आपको रात को ही पता चलेगा उसके बारे में। ये देखो जंगल में आग लगा, लगाई है लग गई है मुझे नहीं पता भाई, बट कर दिया है भाई किसी ने तो। ये बताओ, नहीं ये कई बार गांव वाले, और ये जो जलाने के लिए होता भी है कि आग लगाई है, हो सकता है उन्होंने खुद ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया करके पूरी लगाई हो कि इधर उधर फैले भी ना। विलेज वाटिका में हो गई है पार्टी अपनी मस्त, अब रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रूरू और साथ में सना जो है उसकी मम्मी जी, इनको हम ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद उसके बाद हम मारेंगे नाइट सफारी। ठीक है भाई, तो ये व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो डू गिव इट अ लाइक, और जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ भाई प्लीज सब्सक्राइब करो, मस्त मेहनत चल रही है। ठीक है, आप है तो हम है, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। इन लोगों को मैंने सिर्फ इसी काम के लिए रखा, 10-10 रुपए देता हूँ मैं इन सबको। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नाइट सफारी पे।